कोरोना वायरस महामारी के बीच गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जो भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को पश्चिमी तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की है। हालांकि इस चक्रवात के पाकिस्तान में कराची के तट से टकराने की संभावना है, लेकिन गुजरात के समुद्री किनारे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। तौकाते रखा गया है चक्रवात का नाम। ये साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा और इसका नाम तौकाते रखा गया है। इस बार चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार की तरफ से दिया गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर चक्रवाती तूफानों को नाम देने की एक औपचारिक व्यवस्था शुरू कर दी थी। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जारी किया निर्देश। गुजरात के इस तरह के चक्रवाती तूफान की आहट के बाद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एक बैठक की और तटीय जिलों के अधिकारियों को चौकस रहने के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया। अधिकारियों का अनुमान है कि पूर्व मध्य अरब सागर में चक्रवात उत्पन्न होने से सौराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्र समेत गुजरात के तटीय भागों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ऐसी ही और भी कई खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।